तरह बना हुआ है सड़क के बीच में, उसमें ये सूचना आई थी कि साहब हनुमान जी की मूर्ति खंडित कर दी गई है, जिस पर SHO और CO और एडिशनल SP ग्रामीण तुरंत मौके पर गए। मौके पर जाकर उन्होंने जो CCTV फुटेज हैं वो CCTV फुटेज उन्होंने देखे, और देखने पर जो मंदिर में आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, तो सुबह लगभग 4:30-5 बजे जो गल्ला रखा जाता है वो रखने आए थे। उसके बाद कुछ महिलाएं आती दिखी अलग अलग स्तर पे, एक महिला कुछ संदिग्ध लगी, उस महिला को जो है फिर उन्होंने राउंड अप कर लिया है, मुकदमा रिपोर्ट मिल रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और महिला जो भी है उसका टोटल डिटेल्स ली जा रही है, कौन है कहाँ से है, और उसके आधार पर आगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सहयोग से जो है नई मूर्ति का जो है स्थापना वहाँ करवाई जा रही है, और सब उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब वहाँ हो रहा है, इसलिए मैंने आपको सूचना दी। प्रारंभिक जांच में सामने है कि महिला ने क्या करा, क्योंकि बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से थोड़ी डिस्टर्ब भी बताई जा रही है। हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया, वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट होगी उसकी, अब हम तो उसको कैसे कह सकते हैं कि वो क्या है कंडीशन उसकी, उसकी अगर मेंटल कंडीशन है मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो वो मेडिकल बोर्ड से राय ली जाएगी, उसके बाद ही उस पर हम कुछ कह पाएंगे। वो कहाँ से है क्या नाम, अभी तक वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही है, तो उसका क्या नाम है, कहाँ से आई है, कहाँ से रह रही है, और आसपास के हम CCTV फुटेज देखेंगे कि उसका मूवमेंट शहर के किस वहीं रहा है या कहीं और से आना जाना उसका रहा है, तो उसके आधार पर भी उसको वर्कआउट करें। माहौल शांत से, कुछ सोशल मीडिया पर बंद जैसे अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं नहीं, कुछ आक्रोशित होकर लोग वहाँ बगल में बैठ गए थे, लेकिन अब वहाँ जो भी है मेरे क्योंकि एडिशनल SP वहाँ मौके पर हैं दीपक शर्मा जी, और बात हो गई है, और उसमें ये हुआ कि नई मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाए, वो पहुंचने वाली है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जाएगी, और जो फुटेज जो हमारे पास आए थे वो सबको दिखा दिए गए हैं, लगभग सभी ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है।